जनविश्वास रैली से पहले तेजस्वी प्रसाद यादव के नेताओं ने मेहमान नवाजी का इंतजाम किया है और ऐसे ही एक किचन में हम पहुंचे हैं जहां पर हजारों लोगों के खाने का इंतजाम किया जा रहा है। आरजेडी के विधायक हैं मुकेश कुमार यादव, देखिए खुद से बूंदियां छान रहे हैं। हालांकि बिहार की राजनीति में जो है जलेबी की तरह चलने लगी थी कुछ दिनों पहले और इन्होंने ये कहा भी था कि तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए और लगातार मुद्दों को लेकर के राजनीति करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये खुद से सेवा में लग गए, बूंदिया छान रहे हैं। देखिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका एक ही मकसद है, जो लोगों की सेवा करना, लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं और उस पर खड़ा भी उतरते हैं। और हम सभी विधायक को, सभी राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही को कहा है, अपने क्षेत्र से जो लोग आएंगे उनकी सेवा करना हम लोग का सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म हम लोग को, जो हमारे जन क्षेत्र की जनता जो हमको चुन कर हम पर, ये जो है नेताओं में कम खूबी देखने को मिलती है। ये आरजेडी के विधायक हैं बाजपट्टी 27 विधानसभा से और ये कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने खुद ही कहा है कि राजनीति जो है वो सेवा के लिए है और 17 साल बनाम 17 महीने की जो लड़ाई है उसको लेकर के कल जो है गांधी मैदान में ऐतिहासिक रैली होनी है। उससे पहले जो है विधायक जी जरा सा इधर आ जाइए, जरूर इंतजाम आपकी तरफ से किया गया है, ये कितना अनुमानित भीड़ आपके यहाँ से आ रही है? नहीं, हमारे विधानसभा क्षेत्र से करीब 5,000 लोग आएंगे और रात में उनके खाने पीने के रहने की व्यवस्था है। हाँ। और हमारे जिला से भी करीब 20,000 लोग आ रहे हैं, सीतामढ़ी जिला से 20,000 लोग आ रहे हैं। सब लोग अपना अपना व्यवस्था किया है, लोगों की मेहमान अभी रात में, हम लोग रात में यहाँ रहने की व्यवस्था किया है। यहाँ मेहमान को खिलाने के लिए अपने क्षेत्र के जो जनता भगवान है, वो भगवान हम लोग के लिए भगवान है, उनको खिलाने के लिए हम लोग रात में पूरी बुनिया और सब्जी की व्यवस्था किए हैं। फिर कल सुबह में 7 बजे से चावल दाल सब्जी पापड़ भुजिया अचार कल सुबह में खाकर हम लोग गांधी मैदान के अपने नेता के भाषण जाके हुंकार भरना है, एकदम पूरी तरह हुंकार भरना है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने वादा किया था चुनाव के वक्त ही, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने वादा किया था, चुनाव घोषणा पत्र में था, जब हमारी सरकार बनेगी तो नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देंगे। उन्होंने वादा किया था, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जो मानदेय पर जो है कर्मी, उनको मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे, उनको सरकारी नौकरी कर देंगे, सरकारी अस्पताल की व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे। उस सारी योजनाओं में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और 17 महीने महागठबंधन के सरकार में हमारे नेता ने बिहार ही नहीं देश के सबसे थके हुए मुख्यमंत्री से 17 महीने में जो काम करवाया है वो 17 साल बनाम 17 महीने में करके दिखलाया है। उसमें 3 लाख सरकारी टीचर जो बीपीएससी के माध्यम से उन्होंने बहाल किया, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम किया। उन्होंने स्वास्थ्य की व्यवस्था, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या अनुमंडल अस्पताल हो, जिला सदर अस्पताल हो, IGMS, PMCH हो या एम्स हो, सभी अस्पताल में दवा और डॉक्टर की नियुक्ति की गई और सब लोग हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव रात में भी हॉस्पिटल का अस्पताल का चेक इन करते थे, जहाँ औचक निरीक्षण करते थे। क्यों? ताकि जो डॉक्टर है, जो उसमें कर्मी है, उनको भय रहेगा, क्योंकि सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल में उन्हीं का बच्चा पढ़ता है जो समाज में सबसे गरीब लोग हैं। आप लोग राजनीति में इनकलाब ला रहे हैं, यानी पहली बार ऐसा होता है कि जनविश्वास यात्रा के दौरान हम लोग थे वहाँ, देखा लोगों की भीड़ थी और उससे ज्यादा भीड़ जो है पटना में आप लोगों की आ रही है। देखिए ये इनकलाब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति है, क्योंकि बिहार ही नहीं पूरे देश के नौजवानों को, किसानों को, माता बहनों को विश्वास है जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखलाए हैं, 17 महीने में ही करके दिखलाया है। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मौका मिलेगा, अगर 5 साल के लिए, तो उन्होंने बहुत किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, जब 17 महीने में उन्होंने 5.5 लाख नौकरी देने का काम किया, तो अगर 5 साल उनको फुल मेजोरिटी मिलती है तो वो सभी चीज क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र हो, किसानों के लिए हो, नौजवानों के लिए हो, बेरोजगार के लिए हो, सभी चीज में वो अच्छा से काम करेंगे। वादा आप लोग कर लेंगे बिहार की जनता, एकदम पूरी तरह जन विश्वास, जनता का विश्वास तेजस्वी जी के प्रति उमड़ा है, इसीलिए जन विश्वास यात्रा था, अब जन विश्वास महारैली है। हमारे नेता घूमे हैं, जनता का समर्थन मिला है, अब पटना में हम लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को हुंकार देंगे यहाँ से हमारे नेता और बिहार से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। चलिए मुकेश यादव, कई कुंटल चावल दाल सब्जी और बुंदिया, ये सारी चीजें व्यवस्था की गई है इनके क्षेत्र और इनके जिला से आने वाले लोग। इन्होंने कहा कि 17 साल बनाम 17 महीने की लड़ाई थी, उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव बहुत आगे थे, लोगों का विश्वास जगा है, इसलिए जनविश्वास रैली राजधानी पटना में आयोजित हो रही है और ये ऐतिहासिक होगी, राजनीतिक तौर पर ये हुंकार भरा जाएगा।